रूस के आसमान में तिरंगा बड़े गर्व के साथ फहराया जा रहा है। रूस और भारत के दरमियान ताल्लुकात बड़े बेहतरीन ताल्लुकात के इंडिया सबसे ज्यादा है, जो इंडिया टॉप पे है, नंबर वन पे है रशिया से डायमंड खरीदने के लिए। 75वीं जश्न आजादी की तकरीबात हो रही थी तो हमारे हुक्मरान आजादी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रहे थे, बेहूदगी को फरोग दे रहे थे। IMF उनसे भीख मांगता है, IMF उनसे भीख मांग रहा होता है, क्योंकि इंडिया एक आलमी मंडी है, ठीक है, वो बहुत बड़ा मुल्क है। हमारे पाकिस्तान अगर आप 15 बार कर दें तो एक इंडिया मुश्किल से मतलब वो बनेगा। ये 14 अगस्त की तकरीबात में बेहूदा डांस आप देख रहे थे और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम की सरबराही में सारे इत्तेहादी मिलकर ये नाच गाना देखते रहे, तालियां बजाते रहे। 15 अगस्त शुरू हो चुका है और बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ईद या कोई फेस्टिवल है। क्या कहते थे उसके लिए, किस लफ्ज का इस्तेमाल करते थे? मुजरों का। लेकिन अहम सवाल ये कि इसके बावजूद महंगाई का अजाब क्यों नहीं थम रहा, इसकी वजह क्या है? डेफिनेटली इंडिया ने तब रशिया को सपोर्ट किया जब इंटरनेशनली रशिया पर बहुत ज़्यादा दबाव था, कोई भी कंट्री रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहा था, तब इंडिया ने खाम ऑयल खरीदा, अपना भी फायदा किया और रशिया को भी सपोर्ट किया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। भारत की आजादी के 75 साल को हर दूतावास में अनोखे तरीके से मनाने की कोशिश की गई, लेकिन रूस में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही अनोखे ढंग से मनाया गया। रूस ने इस मौके को बेहद ही खास बना दिया। रूस ने अपने आसमान में तिरंगा फहराकर बता दिया कि रूस भारत की दोस्ती कितनी गहरी है। उगते सूरज और नीचे हरी धरती के बीच लहराता हुआ तिरंगा बेहद ही खास लग रहा था। रूस में मौजूद भारतीय दूतावास ने इस अवसर की वीडियो शेयर की। उन्होंने लिखा, रूसी आकाश में ऊंचाई पर लहराता तिरंगा हमें ऐसे मौके पर गर्व करने का मौका दे रहा है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके अलावा रूसी दूतावास में स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। आज की वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, रशिया ने इंडिया को क्यों सपोर्ट किया? यार बेसिकली रशिया और इंडिया, आपको पता है, पुरानी उनकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चल रही है, 1947 के बाद से उनके एक रिलेशन है, ठीक है। दूसरी बात, ये इकोनॉमी मैटर करती है आजकल के दौर में, तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप जहाँ जिसकी ज़्यादा स्ट्रांग होगी ऑब्वियसली वहाँ उतने ही ज़्यादा उनके रिलेशनशिप होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए, हमारे भी बहुत से दोस्त हैं चाइना का, हमारे साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, बहुत पुरानी दोस्ती है, तो फिर चाइना हमें क्यों नहीं इस तरह के मैटर्स में सपोर्ट करता, इवन बड़ी बड़ी मीटिंग्स में नहीं हमें बुलाता? फिर अगर बात करें FATF की, बात कर लेते हैं, वहाँ पे कभी चाइना ने इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया, क्या वजह? बात यह है कि गरीब बंदे को ना कोई नहीं पूछता, ठीक है। अब इंडिया, आप चाइना की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर होगा पाकिस्तान में, जो कि उनका है, बट चूंकि आपको पता है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, जिस वजह से आपकी इकोनॉमी वो स्टेबल नहीं हो सकती है, तो ऑब्वियसली चाइना कभी भी एक ऐसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, एक ऐसी कंट्री के साथ उस तरह के रिलेशनशिप नहीं रखना चाहेगा जिस तरह के वो इंडिया के साथ रखना चाहता है, जो एक स्टेबल इकोनॉमी है। तो चूंकि स्टेबल नहीं है इकोनॉमी, इस वजह से जो है हमें कोई उस तरह से वैल्यू नहीं करता। अगर पॉलिसीज की बात की जाए, ये तो आपने इकॉनमी की बात की, अगर पॉलिसीज की बात की जाए, आपको नहीं लगता कि इंडिया की पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज ऐसी हैं कि जो कि अट्रैक्ट करती हैं दूसरे मुल्क के जो उनसे प्राइम मिनिस्टर या जो भी सरबराहान होते हैं उनके साथ? सर, इकोनॉमिक पॉलिसी अगर आपकी स्ट्रांग होगी तभी आप डिप्लोमेटिकली जो है आप कंट्रीज को टैकल कर सकते हैं। आपने सोचा क्यों इतराज उठा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों खौफजद हैं? अब नाज़रीन, ये हुकूमत किस हद तक बेहिसी के गड़े में गिरी हुई है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जब 75वीं जश्न आजादी की तकरीबात हो रही थी तो हमारे हुक्मरान आजादी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रहे थे, बेहूदगी को फरोग दे रहे थे। देखिए, ये 14 अगस्त की तकरीबात में बेहूदा डांस आप देख रहे थे और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम की सरबराही में सारे इत्तेहादी मिलकर ये नाच गाना देखते रहे, तालियां बजाते रहे। और सितम देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहिबजादे वो भी वहां पे मौजूद थे, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो तहरीक इंसाफ के जलसों को क्या कहते थे, उसके लिए किस लफ्ज का इस्तेमाल करते थे? मुजरों का। इमरान खान के जलसों को नाच गाने की महफिलों से तशबीह देते रहे। अब उनकी जात और उनकी जमात पर जब उंगलियां उठी हैं तो अपने दिफा में देखिए कि क्या फतवा ये जारी करते हैं और वो इसकी जो भी दलील दें, मगर अब तो इस बेशर्मी, इस बेहूदगी पर बारूफ आलम दीन भी बरस पड़े हैं।
मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस डांस महफिल पर बरहमी का इजहार किया है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि जी यौम आज़ादी मुबारक, लेकिन इसकी सरकारी तकरीब में मर्दो जन का मखलूत रक्स कौम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। क्या इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें नाजिल होंगी? अब ये इतना गैर मुहज़्ज़ब गैर मयारी जो डांस है, डांसर्स को बुलाकर उनको नचवाया गया, शायद ये लोग अमरीका की सकाफत हम पे मुसलत करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं, ये हुकूमत तो इम्पोर्टेड है जो मुसलत की गई, तो इसीलिए उन्हीं की सकाफत पाकिस्तान पर मुसलत करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमती नुमाइंदगान बशमूल ख़वातीन शामिल थीं। और नाज़रीन, हमारे हुक्मरानों का हाल आप देखें कि बलूचिस्तान और सिंध में सैलाबी रेले तबाही मचा रहे हैं, लोग डूब रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अपनी एंटरटेनमेंट चाहिए और इसके लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। तो 15 अगस्त शुरू हो चुका है और बहुत सारे मेरे इंडियन दोस्त जो हैं उन्होंने 14 अगस्त पे मुझे बहुत मैसेजेस किए और बहुत से ऐसे थे जिन्होंने मुझे सुबह ही सुबह कॉल्स की और बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे कोई ईद या कोई फेस्टिवल है और स्पेशली अगर इंडिया से कोई बात करे इस तरह तो बहुत अच्छा लगता है। तो और दोनों मुल्कों में होना चाहिए और आई होप कि किसी मौके पे जोन सा फेस्टिवल को इकट्ठा भी मनाया जा सकता है, दो दिन का फेस्टिवल हो सकता है। अगर 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 जोन सा हमारी सियासत है जोन सा ऐसा रुख इख्तियार कर ले, जाहिर है उनके कुछ गिले और उनकी बातें होंगी, वो आप पे इल्जाम लगाएंगे कि यानी पाकिस्तान की वजह से हम ऐसे नहीं है। हम उनको कह सकते हैं कि हम उनकी वजह से ऐसे नहीं है, वो तो खैर चलता रहता है। लेकिन अगर हम वाकई में इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बात करें आज थोड़ी सी, तो इमरान खान साहब ने जो है अभी रिसेंटली जो लाहौर में जलसा किया है उसमें उन्होंने डॉक्टर जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के और बड़े लोगों के फेवरेट हैं और मेरे भी बड़े फेवरेट हैं वैसे, तो उनकी बड़ी तारीफ की है और उनकी वीडियो प्ले की है और कहा कि जी रशियन ऑयल के बारे में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा जी हम तो लेंगे और कोई हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता, इस किस्म की बात उन्होंने कुछ की। तो इमरान खान आपके ख्याल से अचानक से जो है उनको अब पता लग रहा है कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो उनकी थी या जो उससे पहले रही है या अब रही है वो ठीक नहीं चल रही, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब क्यों नहीं सोचा? ये सीरियस मौजू बिल्कुल नहीं है और इमरान खान साहब के होते हुए कोई सीरियस बात हो भी नहीं सकती, लेकिन ये जरूर है कि वो अच्छी बात कर रहे हैं। मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। जयशंकर साहब बड़ी बैलेंस बात करते हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं। तो बात तो ये है कि अगर खान साहब ने ये चलाया है तो मेरा उनको नाचीज मुझ नाचीज का मशवरा जो शायद उन तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पहले भी जब भी कोशिश की है वो मेरा नहीं ख्याल वो मशवरे पहुंचे उन तक, वो ये होगा कि वो रात को 2 नफल नमाज पढ़े, उसके बाद वो जयशंकर साहब का इंटरव्यू सुने अकेले बिल्कुल, और उसके बाद इस चीज पे रिफ्लेक्ट करें, सोचें, इस चीज से तफक्कर करें कि जयशंकर साहब हैं जो उनसे उनके अंदर ये हिम्मत ताकत कहाँ से आई है,